नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राशिद जमाल पर किया बीजेपी पार्षद भू माफिया ने जानलेवा हमला। आउटर पुलिस पर लगाया आरोप, आखिर आरोपी को क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार। कानपुर लाल बंगले कैंट के रहने वाले पूर्व विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष उस समय बीजेपी के भाई ने हमला कर दिया जब जमीन पर बीजेपी के सभासद ने जमीन में मोरंग ईटा रख कर कब्जा करना चाहा। राशिद जमाल ने रोड बनवाने के लिए जमीन में रखी ईट मोरंग जेसीबी से हटवाया, जिसकी खबर भू माफिया पार्षद मनोज पांडे भाई योगेश पांडे को मिली। 7-8 अन्य साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राशिद जमाल पर लोहे की राट से जानलेवा हमला कर दिया। हमला को होता देखते हुए राशिद जमाल के साथ आए मिलने वाले ने तुरंत इस घटना की खबर 112 कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही शिवजी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस को आता देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल राशिद जमाल को जिला अस्पताल अकबरपुर में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान छुट्टी दी गई। घटना का प्रार्थना पत्र थाना शिवली पुलिस को दिया गया। थाना पुलिस ने सभी पर NCR संगीन धाराओं में दर्ज कर जाँच की जा रही है। मनोज पांडे कानपुर ग्वाल टोली से बीजेपी के पार्षद हैं और लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करते आ रहे हैं और कानपुर नगर में दबंगों में नंबर वन है। राशिद जमाल ने आउटर पुलिस पर आरोप लगाया है। अपने ऊपर हुई इस घटना की यूपी पुलिस की कड़ी निंदा की है। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया गया, आइए देखते हैं राशिद जमाल आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष द्वारा यूपी पुलिस की इस कार्रवाई के संबंध में क्या कहा जा रहा है। लाइव समाचार से अली की रिपोर्ट। आपने बताया सिरुई थाना क्षेत्र में अपनी जमीन से पांडे जी का जो भी मटेरियल पड़ा था उसको हटाने को लेकर आपके ऊपर उन लोग द्वारा हमला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मकसद अपनी साइट पे रोड बनवाना था और मैंने उस मोरंग को सिर्फ उठवा करके किनारे करवा दिया, साइट से हटवा दिया, हटवा करके किनारे रखवा दिया ताकि वहाँ पे जब मिट्टी कटाई हो सके वहाँ काम हो सके और रोड बन सके। बस इसी रंजिश को लेकर के उन्होंने जो है लड़ना शुरू कर दिया। सर कौन कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया आपके ऊपर? इसमें मेनली मनोज पांडे पार्षद ग्वालटोली,